बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मबनी प्रोग्राम दिन भर में आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा की गलियों से लेकर राजौरी की सरहद तक आज सूरत हाल क्या रहा, आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। यूमी जमहूरिया के पेश नज़र सरहदों पर चौकसी में इजाफा, कोरोना के 18 मुस्बत मामला की तस्दीक, IIT जम्मू 16 जनवरी तक बंद, जनूबी जिला कुलगाम में 35 साल शहरी की लाश बरामद, भारत में एक दिन में 1,94,000 से जायद केसेस रिपोर्ट, मैक्रोन से हर फर्द मुतासिर होगा, बूस्टर डोज भी काम नहीं आएगी, तिबी माहिरीन। तो नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम खबर, अब आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू के हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई के पास। राहिल, आज जम्मू में दिन भर सूरत हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी ज़हूर, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज क्या कुछ खास रहा जम्मू में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोविड के हवाले से। जिस तरीके से कोविड ने एक बार फिर अपनी दस्तक दी और अपनी तीसरी लहर के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी आमद जो है वो जाहिर की है, इसी के बीच हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन मुस्बत केसों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसके बीच हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि तमाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो थे उनको मुलतवी किया जाता है, उनको पोस्टपोन किया जाता है। जितने इम्तहान जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर लेने थे वो तमाम, या जो एग्ज़ाम चल रहे थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये तमाम इसलिए पोस्टपोन एग्ज़ाम कर दिए गए हैं ताकि जो जिस तरीके से COVID-19 एक बार फिर अपनी दस्तक दे चुका है और दिन ब दिन मुस्बत केसों में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजौरी, पुंछ या खिताची, पीर पंजाल हो या चनाब वैली हो, कहीं ना कहीं COVID-19 के जो केसेज हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। इसी के बीच हमने देखा था कि कल जम्मू यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से एक अहकाम उन्होंने जारी किए थे कुछ, जिसमें एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन करने को बताया था। इसके बाद हमने देखा कि राजौरी के GMC में भी तमाम तर जो MBBS क्लासेस थे उनको बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ अगर हम देखें जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बच्चे हैं वो पहले ही ये मांग कर रहे थे कि हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से वहाँ पर तमाम एग्ज़ाम को मुलतवी किया गया है और बच्चों का पहले से ही ये था कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएँ, ऑफलाइन ना लिए जाएँ, कहीं ना कहीं अब इंतज़ामिया को वो भी सोचना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो खबर सुर्खियों में रही, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रही, वो ये थी कि SP वेद और डॉक्टर शाह फैसल को जो है वो गवर्नर का मशीर बनाने की जो तैयारी सरकार कर रही है। बिल्कुल इस हवाले से तमाम तर कयास अराइयाँ लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं ये कयास अराइयाँ जो हैं वो सच भी साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बशीर खान को एडवाइज़र की पोस्ट से हटाया गया लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी को अपॉइंट करना है, तो इन दो नाम पर जो है वो नज़र बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों को मशीर बनाया जा सकता है या डॉक्टर शाह फैसल या SP वेद में से किसी एक को। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम ने अपने मिजाज बदले और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर भी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जिस तरीके से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और उसके बीच हमने ये देखा कि बिजली ढांचा जो था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, और आज चौथे रोज़ पाँचवें रोज़ भी अगर हम देखें तो बिजली सप्लाई तमाम इलाका जात तक नहीं पहुंची। कुछ इलाका जात जो हैं वो अभी भी बिजली रिस्टोरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे इलाका जात में बिजली रिस्टोर हुई और काफ़ी सारे इलाका जात में बिजली रिस्टोर नहीं भी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया से लोग ये अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बुनियादी सहूलत को जो है वो रिस्टोर किया जाए। शुक्रिया राहिल। तो नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते वादी कश्मीर के हमारे नुमाइंदे साबिक अली के पास। साबिक, आज वादी कश्मीर में दिन भर सूरत हाल क्या कुछ रहा, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी ज़ोहर, दिन भर की सूरत हाल पर हमारी पहली नज़र होती है और हमारी पहली नज़र है आज नौजवानों के आलमी दिन पर। मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी नौजवानों का आलमी दिन मनाया गया। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंडहसीबट श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत नौजवानों, तुलबा और उसातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने नौजवानों की अहमियत को उजागर किया, नौजवानों की सलाहियत को उजागर किया और नौजवानों से उनकी अपील रही कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और अच्छे अच्छे कारनामे करके दिखाएं। इसी तरह से हम चलते हैं COVID-19 की तरफ। COVID-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1148 मुस्बत केस सामने आए हैं।
लोगों से महकमा हेल्थ की ये अपील है कि वो मास्क लगा कर निकले, जब भी कहीं निकलना हो तो मास्क लगा कर निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इसी के साथ साथ जो नौजवान तबका है, नौजवानों का आज आलमी दिन मनाया गया और कई जगहों पर नौजवानों ने धरने भी किए हैं, एहतजाज भी किया है वो इस बात को लेकर कि कोचिंग सेंटरों को बंद न किया जाए, कोचिंग सेंटरों पर बैन न लगाई जाए, क्योंकि उससे तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं महकमा मौसमियात की तरफ। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई दी है कि 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। फिलहाल मौसम में बेहतरी आई है मगर रातें काफ़ी सर्द तरीन हो चुकी हैं। अगर हम सियाहती मकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की बात करेंगे, वहाँ पर काफ़ी सर्दी हैं रातों को, मगर उस सर्दी के बावजूद भी वहाँ पर जो सयाह हैं वो लुत्फ़ ले रहे हैं मौसम का। तो नाज़रीन नेटी जम्मू से राहिल और वादी कश्मीर से साबिक अली साबिक, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस वादी के साथ हम करेंगे आवाम की बात और देंगे सच्चाई का सिर। और उमर शफी के साथ में जहूर लोलाबी, कश्मीर क्राउन के लिए। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।